नमस्कार दर्शकों, मैं द्रवंती घोष आप सबका फैक्ट क्रिसेंडो के फैक्ट फाइल्स में स्वागत करती हूँ। आजकल सोशल मीडिया में कई ऐसे तस्वीरें व वीडियो हम देख सकते हैं जिसे शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि एक चाइल्ड किडनैपर्स है। ऐसी एक वीडियो अभी आपने देखा जिसमें एक दंपति एक रेलवे स्टेशन से एक छोटी सी बच्ची को किडनैप कर रहे हैं। अब इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो मूल तौर से पश्चिम बंगाल के मध्यमगाम रेलवे स्टेशन का है। ये वीडियो एक सीसीटीवी कैमरा का फुटेज है। हमारे पड़ताल से हमें ये पता चला कि इस वीडियो को शेयर करते हुए कई मीडिया हाउस ने खबर छापी थी। खबर अनुसार ये वीडियो मूल तौर से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का है जो कि दिल्ली में स्थित है। साथ ही खबर में ये भी लिखा गया है कि इस 2 साल के बच्चे को पुलिस द्वारा रेस्क्यू भी किया गया है। जिस दंपति को हम किडनैप करते हुए देख सकते हैं वे मूल तौर पर रेलवे स्टेशन के ही वेंडर थे जिन्होंने इस बच्चे को किडनैप किया था। इस मामले पर दिल्ली के कमिश्नर डीके गुप्ता ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने रेलवे स्टेशन में प्रेजेंट हर एक आदमी से क्वेश्चन किया था, जिसके पश्चात उन्हें पता चला कि आरोपी दुबे ने असल में इस बच्चे को किडनैप किया था। उन्होंने आरोपी को सरायकाले खान नामक एक जगह से अरेस्ट भी कर लिया है। इसके पश्चात हमने मध्यमग्राम के स्टेशन मास्टर से भी बात किया, जिन्होंने हमें इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इस मध्यमग्राम के रेलवे स्टेशन में ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी जहां पे एक 2 साल के बच्चे को किडनैप किया गया है। तो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो एक गलत दावे के साथ वायरल किया जा रहा है। ये वीडियो मूल तौर पर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का है जहाँ पे एक 2 साल के बच्चे को किडनैप किया गया था, परंतु ये बच्ची रेस्क्यूड भी हो गई है। हम आपसे आग्रह करेंगे कि ऐसे वीडियो को शेयर करने से पहले एक बार इसकी सच्चाई जान लें। और अधिक फेक न्यूज़ की सच्चाई जानने के लिए हमारे वेबसाइट factcrescendo.com को विजिट कीजिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।